माय नेम इज सनिया रफीक आई एम हियर टू टीच यू केमिस्ट्री नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फोर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं बात करूंगी अपने प्रीवियस टॉपिक पे जो था कोविलेंट बॉन्ड पे। बॉन्ड क्या होता है कोविलेंट बॉन्ड एक ऐसी टाइप है केमिकल बॉन्ड की जिसमें दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो म्यूचुअली शेयर होते हैं यानी दोनों एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है जिसे कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं लेकिन क्वारिनेट कोविलेंट बॉन्ड में क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इट इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली यानी सिर्फ एक, एक एटम ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है सिर्फ वो ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है फर्दर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे पहले हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स को जिनका पता होना आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट है डॉनर और सेकंड है एक्सेप्टर डोनर क्या होता है विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एटम और एटम्स का ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो डोनर कहलाता है और एक्सेप्टर किसको कहते हैं विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच द इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो एक्सेप्टर कहलाता है नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट एग्जाम्पल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है अमोनिया के साथ बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसमें एक बोरोन का एटम है और तीन फ्लोरीन के एटम हैं जो इसके साथ अटैच हैं बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे मैंने क्रॉस की फॉर्म में ड्रॉ कर लिए हैं साथ में अमोनिया का मॉलिक्यूल है अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन इसके साथ लिंक्ड हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके साथ थ्री हाइड्रोजन लिंक्ड हैं जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो इनके दरमियान में कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो किस तरह से बनता है अब हम ये देखते हैं बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने थ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है फ्लोरीन के साथ तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टू टू फोर और टू सिक्स इलेक्ट्रॉन है इसको अपना ऑप्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर टू इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है टू टू फोर टू सिक्स वन सेवन इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है इसका ऑप्टेट कंप्लीट है इसी तरह इस फ्लोरीन का ऑप्टेट भी कंप्लीट है और इस फ्लोरीन का ऑप्टेट भी कंप्लीट है यानी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे अभी फिलहाल सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं और इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑप्टेट कंप्लीट करने के लिए अब हम बात करेंगे अमोनिया की अमोनिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑटोमोशल में फाइव इलेक्ट्रॉन हैं और इसने क्या किया है कि थ्री हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की हुई है फाइव और थ्री एट इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से ये अब स्टेबल है हाइड्रोजन के ऑटोमोसल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है एक उसने शेयर किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ दो कंप्लीट हो गए क्योंकि यहां पे डुप्लेट रूल फॉलो होगा इसके भी दो कंप्लीट हैं इसके भी दो कंप्लीट हैं ये एक स्टेबल कंपाउंड है अब क्योंकि बोरोन को दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशेंसी है तो नाइट्रोजन के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं एक पेयर ये हैं जो दो एटम्स के दरमियान है और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर वो है जो बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ है ये वाला ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता और आइसोलेटेड फॉर्म में होता है उसको हम लॉन पेयर कहते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली उ दिस इज नोन एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो ये एक पेयर बन गया है और ये किस तरह की इसमें केमिकल बॉन्डिंग हो रही है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्योंकि म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को हम क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दो एटम्स के सेंटर में प्रेजेंट हैं, ये क्या है दीस आर द बॉन्ड पेयर और ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता आइसोलेटेड फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं वो लॉन पेयर कंसीडर किया जाता है अब यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है अगर हम बोरोन ट्राईफ्लोराइट की बात करें तो इसमें एक ही तरह की बॉन्डिंग आपको नजर आएगी कि जो फलोरीन है वो इसके साथ आ, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है तीनों फ्लोराइड जो एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बोरोन के साथ अटैच हैं अब यहां पे क्या होगा कि बोरोन को फ्लोरीन के साथ अटैच होने के बाद भी दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये अपनी उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करना चाहता है उसको फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपना लॉन पेयर जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा जब नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा तो इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा यानी नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है बोरोन के साथ ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और खुद को स्टेबल कर सके जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है इस प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे एरो लगाया है एरो की जो टेल है जिस एटम की साइड पे होगी वो शो कर रहा है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और हेड जिसकी साइड पे है वो शो कर रहा है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उस एटम को हम क्या कहते हैं डोनर और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उस एटम को हम क्या कहते हैं एक्सेप्टर ठीक है Acceptor, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो डोनर है और बोरोन क्या है एक्सेप्टर है और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है जिसको हम ब्रैकेट में शो कर रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे इसको हम अडक्ट कहते हैं नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को समझा है बिल्कुल उसी तरह से है सेकेंड एग्जाम्पल इसमें अमोनियम आयन बन रहा है जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में आता है अमोनियम ये किस तरह से बनता है कि इसमें देखे नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो थ्री इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन के साथ तीन कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है नाउ इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल सेकेंड इसके साथ है हाइड्रोजन आइन हाइड्रोजन एक एटम है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यानी पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था अब इसने उस एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज कर दिया है तो अब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नाइट्रोजन क्या करेगा इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और इसको अपने टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये एस आर डोनर वर्क करेगा और जो हाइड्रोजन आइन है ये क्या है एक्सेप्टर है तो इस तरह से इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो ड्रॉ किया हुआ है जो एरो की टेल है वो डोनर को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एरो का हेड है वो एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आइन पे चार्ज था अब ये इसी का ही पार्ट बन गया है क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली है यहां पे ये चार्ज खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन पे जो चार्ज था ये खत्म हो गया क्योंकि इस, इसने इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दिया है और इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ तो अब वो चार्ज नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हम उसको ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स पे शो करेंगे इस तरह जो पहले चार्ज हाइड्रोजन पे मौजूद था अब वो ऑल ओवर अडक्ट पे शो किया जाएगा नेक्स्ट टू डेफिनेशन है बॉन्ड पेयर और लॉन्ड पेयर की बॉन्डपेयर क्या होता है जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है इट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एक ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं एंड लॉन्डपेयर क्या है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या कहते हैं लॉन्डेयर कहते हैं जैसे देखिये नाइट्रोजन में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे बॉन्ड पेयर और ये वाला जो पेयर है ये क्या है लॉन पेयर लेकिन क्योंकि अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अब ये लॉन पेयर नहीं रहा यहां पे ये लॉन पेयर नहीं है ये भी बॉन्ड पेयर ही बन गया क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसलिए हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं It is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons. तो हम यहाँ पे फिर बात करते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि वो डोनेट कर दिया है यहां से नाइट्रोजन ने वो डोनेट कर दिया है और यहाँ पे वो अब बॉन्ड पेयर की फॉर्म में क्योंकि वो दो एटम्स के दरमियान में है इसलिए हम कहते हैं द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली पहले जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में ये मॉलिक्यूल था तो वो लॉन्ड पेयर ही था लेकिन अब क्योंकि उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है तो वो क्या बन गया है वो बॉन्ड पेयर बन गया है अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बताई हुई है इसमें भी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो इसमें क्या है कि दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल कोवलेंट कंपाउंड जैसी है देयर न्यूक्लियाई आर हेल्ड बाय द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच हैं शेयर्ड पेयर के थ्रू देयर फॉर दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन वाटर इसलिए ये वाटर में सोलबल नहीं है अगर इनको वाटर में डिसॉल्व भी किया जाए तो ये आइंस नहीं बनाते वाइल दे आर सोलुबल इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट्स एंड दे आर वेरी लेस सोलबल इन वाटर ये ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर में बहुत कम सोलबल होते हैं This is all about the coordinate covalent bond. Thank you very much. Allah Hafiz.